डीपीएस आजादनगर स्कूल के छात्रों ने रैनकेथन एजुकेशन संस्था के साथ मिलकर बेहद आधुनिक आविष्कार किए हैं। कानपुर प्रेस क्लब में वार्ता के दौरान इनके प्रदर्शन ने दर्शकों को अचंभित कर दिया। स्मार्ट डस्टबिन का आविष्कार के बाद अब डस्टबिन खुद चलकर कचरे के पास आ सकेगा। वहीं स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक से दृष्टिहीन के सामने कुछ भी आने पर स्टिक में लगा अलार्म बज उठेगा और जिससे सचेत हुआ जा सकेगा। साथ ही एडवांस कार पार्किंग में बैरियर तथा तभी खुलेगा जब एक कार दूसरी तरफ से निकल जाएगी और ऐसा ही चमत्कार फायर फाइटर में भी दिखाई देगा जो आग की इंफ्रारेड रेंज को डिटेक्ट कर आग पर तुरंत काबू पाएगी। प्रोजेक्ट इंजीनियर धीर सिंह ने बताया है कि नमस्कारों से बच्चे आईआईटी के छात्रों को टक्कर दे रहे हैं। दे रहा हूँ डीपीएस में, हम लोग एक रैंकथन एजुकेशन की तरफ से हैं जो आईआईटी खड़गपुर से आए हुए हैं, जो बच्चों को हम ट्रेन करते हैं। कई स्कूलों में हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं और डीपीएस में हमने बच्चों को ऑलरेडी ट्रेन किया हुआ है। हमें 1 मंथ हो गया जो हमारी लैब सेटअप है वहाँ पर, तो हमने बच्चों को लाइक इंजीनियर लेवल पर हमने इनको ट्रेन किया है कि बच्चों को कैसे एक आइडिया और कोई भी हमें प्रोजेक्ट रेडी करना। जैसे होता नहीं कि बच्चों को एक आइडिया आता है कि हमें एक मोबाइल कंट्रोल कार बनानी है, तो वो हमने बच्चों को ट्रेन किया कि बच्चे कार भी बना सकते हैं और इनको हमने बेसिक ऑडिनो और आईओटी और रेस्पबेरी पाई पे काम करा रहे हैं। स्मार्ट डस्टबिन बनाए हैं। इस डस्टबिन का रोल ये है कि आज देखते हैं आजकल की जो नई जनरेशन है वो बहुत ही आलसी हो गई है। कूड़ा जहाँ फेंकना चाहिए वो सही जगह पे फेंकते नहीं हैं और कहीं भी फेंक देते हैं। स्पेशलिटी ये है कि हम जैसे कि अगर हम लोग दूर बैठे हैं इस डस्टबिन के, तो हम लोग मोबाइल का ब्लूटूथ इनेबल करके हम लोग इसे ऑपरेट करके हम लोग अपने पास बुला सकते हैं, कंट्रोल करके बुला सकते हैं। और हम लोगों ने एक फायर फाइटिंग रोबोट बनाया है, जैसे कि कहीं पे भी हम लोगों ने उसमें फ्लेम सेंसर्स यूज़ करे हैं, तो जैसे ही वो फायर सेंस करता है तो वो उस डायरेक्शन में मूव करके उसे तुरंत बुझा देता है। जैसे कि कई बार ये होता है कि आप लोग सो रहे हो और या फिर फायर ब्रिगेड को आपने कॉल करा, तो फायर ब्रिगेड एकदम से तो आ नहीं सकती है, उसको टाइम लगेगा। और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे वो बहुत टाइम लगता है आने में, तो जिससे पहले कि वो और बढ़े वो उसको पहले ही पानी से बुझा सकता है। एक ब्रेक के लिए रुके।